Very good morning to all of you and welcome to all aboard. I hope I am audible and visible to all of you clearly. आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है? चलिए, परफेक्ट. स्टार्ट करेंगे सेशन को और न्यूज का डिस्कशन होगा. 18th ऑफ मई 2022 के न्यूज आज हम डिस्कस करेंगे. यहां पर पहले क्विकली चेक कर लेते कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. वेरी गुड मॉर्निंग टीना, स्वप्निका, थोता, लवप्रीत, वेरी गुड मॉर्निंग, जरीना, मास्टर ऑफ गेमिंग, वेंकट, भारती, सागर, अंबर, पवित्रा, मनोज, दीपांशु, वेरी गुड यार, अन्वेशा, वेरी गुड मॉर्निंग, नवीन, श्री, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. चलिए, हितेश, क्या हाल चाल है? गार्गी, गुड मॉर्निंग. तो सेशन की तरफ मूव करते हैं. बाकी बच्चे विद इन अ मिनट डेफिनेटली दे विल ज्वाइन अस. टू सक्सीड इन योर मिशन, टू सक्सीड इन योर मिशन, यू मस्ट बी सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड अ गोल, गोल विद द डेडलाइन दैट बाय द नेक्स्ट 4 months और बाय इन द नेक्स्ट 6 months आई हैव टू अचीव दिस टारगेट. अंटिल अनलेस दैट टाइमलाइन विल नॉट बी देयर इन योर गोल, दैट इज जस्ट अ प्लान. आप सिर्फ एक प्लान बना रहे हो, उस प्लान को एग्जीक्यूट जब तक आप डेडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू गोल. तो सिंगल माइंडेड होना चाहिए कि ये हो जाएगा नहीं तो ये कर लेंगे. दैट डजंट वर्क प्रॉपरली इन एवरी केस, राइट? तो कलाम सर का कोड है, स्टार्टिंग द डे विथ द कोड ऑफ कलाम सर. The PDF of this session will be available on the Telegram group of mine, that is Aditya's the GA Genius. This is the name of the Telegram group. You will be able to find all the PDFs of mine on this. Or whenever I am conducting any type of session, like yesterday we had done the Zoom session for NHB interviews. So NHB interview ke liye kal humne Zoom session kiya tha. For the SIDBI interview, we are going to do it tomorrow. So remember guys, 19th of May will be the date. 19th May will be the date, evening 8 p.m. will be the timing. We are going to do a Zoom session for SIDBI interview. SIDBI interview. So students can join me for discussing the preparation strategy or their doubts related to the interview. Chaliye, aage chale. Pehle homework check kar lete hain. Question number 1 tha. Which organization has issued world first wildlife conservation bond raising 150 million to help increasing the endangered black rhino population in South Africa? So, इसका आंसर क्या था? आंसर तभी भी आप लोग लगा सकते हैं. By the way, you had enough time to answer till yesterday. तो आंसर था इसका World Bank, right? Who is the current chairperson of NGT? NGT के current chairperson कौन है सर? AK Goyal साहब हैं. After that, FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, who is the present chairperson of FICCI? Mr. Sanjeev Mehta है. After that, who is the chairperson of TRAI, Telecom Regulatory Development Authority of India? So PED Wagheela सर है. Answers directly we can pick from the student from the list of और फ्रॉम द डायरीज ऑफ स्टूडेंट आंसर्स. रवीना के आंसर आए थे. वर्ल्ड बैंक है सर, फाउंडेड इन जुलाई 1944, स्टार्टेड 27 दिसंबर 1945, वॉशिंगटन डीसी यूएसए हेडक्वार्टर है. डेविड रॉबर्ट मालपास इज द प्रेसिडेंट. 189 मेंबर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है. 189th मेंबर नेम इज नॉरो. सो विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक? नॉरो हो जाएगा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ए के गोयल सर. संजीव मेहता सर प्रेसिडेंट. 1927 फिक्की वॉज फॉर्म्ड. टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन द ईयर 1997. पीडी वगैरह सर इज द चेयरपर्सन. जय हिंद. जय हिंद प्रियंका मैम. ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर आपको क्या मिलेगा? अरुण चावला सर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की. अरुण चावला सर डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की के. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रियंका हैज डिफाइंड, दैट इज टेलीकॉम डेवलपमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल. सो उसके हेड अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे डीएन पटेल सर. डीएन पटेल सर गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर. फिर प्रथमेश भाई के आंसर आए थे.
सिमिलर थे, सारे के सारे पॉइंट करेक्ट थे। निकिता मैम के आंसर्स थे, श्री के, अंबर साहू भाई, अमन शर्मा जी, बहुत बढ़िया, रेगुलर आंसर्स आ रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ डिटेल्स, प्रणव, मुरली, खीतु, तो ये आंसर्स थे। जिन्होंने थोड़ा लेट आंसर किया होगा, मैंने कल इवनिंग में आंसर्स पिक कर लिए थे, सो दैट इज व्हाई देयर आंसर्स आर नॉट देयर। चलिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट है। तो एक तरीके से ये आपका एपिलेट ट्रिब्यूनल है फॉर द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, तो ये आपके पास आंसर्स हो गए सर। कल के लिए होमवर्क देख लें, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सेबी, सॉरी सिडबी, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सिडबी, द रीजन बीइंग सिडबी इंटरव्यू, सो द स्टूडेंट कैन गेट सम आइडिया दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे मे गेट इन द इंटरव्यू। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहां भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सिडबी हैज लॉन्च्ड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, फॉलोइंग हट जाएगा यहाँ से, तो विच स्टेट हो जाएगा। सिडबी एंटर्ड इन द इन कोलाबोरेशन विद गूगल प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च सोशल इंपैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम इन इंडिया, अप टू विच अमाउंट ऑफ लोन विल बी प्रोवाइडेड, वॉट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर दिस। सिडबी विल असिस्ट विच स्टेट इन एडवांसिंग एंटरप्रिनल डेवलपमेंट, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट द एक्सपांशन ऑफ एमएसएमई क्लस्टर इन द स्टेट, सो टू डेवलप द एमएसएमई क्लस्टर इन द स्टेट सिडबी कोलाबरेटेड विथ विच स्टेट। सिडबी गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू महाराष्ट्र टू रिवाइव ITIs एंड पॉलिटेक्निक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये आपके पास सर सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आंसर अच्छे से लगाइएगा, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर बैच इज अवेलेबल ऑन द ऑलिबोर्ड प्लेटफॉर्म, यू गाइज कैन यूज द कूपन कोड आदित्य ADITY आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस और ऑन SBI PO फिट बैच, SBI क्लर्क फिट बैच, अगर आपको SBI PO फिट बैच सब्सक्राइब करना है, क्लर्क बैच, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन सब्सक्राइब विद द हेल्प ऑफ कोड आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। सेकेंड थिंग, बेस्ट पैकेज इज ऑलवेज सुपर एलिट इन विच ऑल द कोर्सेज आर इंक्लूडेड, सो यू इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू टू बाय द कोर्सेज अगेन एंड अगेन, सो बेटर ऑप्शन इज सुपर एलिट। आगे चलते हैं एमसीक्यू रिविजन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन। चलिए, स्पीड वगैरह ठीक है, जो लोग लेट आए थे भाई गुड मॉर्निंग उन लोगों को, जिनसे मैं गुड मॉर्निंग नहीं कर पाया था बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेशन एट एग्जैक्ट 8। या चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक। चलो भाई, एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन नंबर वन। Consider the correct statement about the PAN Aadhaar is now mandatory rule for the cash deposit and withdrawal system. So, cash Aadhaar mandatory rule recently made by the CBDT, Central Board of Direct Tax and Customs. So, what is that rule? Point number one, PAN and Aadhaar are now mandatory for the cash deposit above 20 lakh rupee. Second, the new rules will be effective from 1st July 2022 onwards. Third, PAN is currently required cash deposit of 50,000 rupee per month. PAN card is necessary for the deposit above 50,000 rupee, right? So, first one is correct, third one is correct, second is wrong. Why second is wrong? The rules are implemented from 26th of May 2022 onwards. So, 20 lakh above deposit or withdrawal in a financial year, PAN plus Aadhaar both are required. 20 lakh se upar jab jama karna ho ya paise nikalna ho, पैन कार्ड और आधार दोनों की जरूरत पड़ेगी अब इंडिया के अंतर्गत अंदर। हाँ, इफ यू आर डिपॉजिटिंग मनी अबव 50,000 रुपी, 50 और अबव 50, ऑलरेडी इट इज अ रूल इन इंडिया दैट वी नीड पैन कार्ड एंड ऑल ऑफ दीज रूल्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 26th of May 2022 ऑनवर्ड्स। तो ये इन्होंने डेट इश्यू कर दिया है। सीबीडीटी संगीता सिंह मैम चेयरपर्सन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उनका नाम बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम चेयरपर्सन नाम बताए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज द पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रूपी ऑन द कोरियन बैंक दैट इज KEB हैना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन नॉर्म रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। करेक्ट आंसर है 59 लाख रुपी का फाइन इंपोज किया है, पेनल्टी इंपोज किया है रिजर्व बैंक ने ऑन
Korean bank. It is not an Indian bank, but the foreign bank working in India. The bank started in the year 1967, merged with Haina Bank in the year 2015. Headquarters located in Seoul. Park Sung Ho is the president and CEO of the bank. हाँ भाई, विवेक जौहरी सर है, बिल्कुल करेक्ट है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरपर्सन है विवेक जौहरी साहब. आगे चले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज के काफी सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे. आरबीआई रिसेंटली गिवन अप्रूवल टू इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गेट मर्ज्ड विद द पेरेंट कंपनी. द पेरेंट कंपनी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड. तो इस मर्जर को अप्रूवल आरबीआई ने दे दिया है. आफ्टर दैट राजीव रंजन सर रिसेंटली इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एज अ न्यू मेंबर. टोटल सिक्स मेंबर होते हैं. रिसेंटली राजीव रंजन सर केम ऑन द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द साइड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. आफ्टर दैट आरबीआई सेड इट विल टेक 13 ईयर्स, इट विल टेक 13 ईयर्स टू रिकवर इन द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम दिस कोविड-19 इम्पैक्ट. तो कोविड-19 के इम्पैक्ट से रिकवर करने में लगभग 13 साल लगेंगे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है. आगे चले, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फूड ब्रिज नेम स्काई ब्रिज 721 रिसेंटली ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द टूरिस्ट. हाल ही में किस देश में टूरिस्ट के लिए, जो पर्यटक है उनके लिए 721 स्काई ब्रिज 721 नाम का विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फूड ब्रिज कहां पर इनॉग्रेट किया गया सर? करेक्ट आंसर है चेक रिपब्लिक. करेक्ट आंसर इज चेक रिपब्लिक. इट्स लेंथ इज 721 मीटर्स. That is why the name is Sky Bridge 721. 721 meters long, 1.2 meter wide, and constructed with the cost of approximately $8.4 million. Czech Republic. It is located in Czech Republic. Capital is Prag. तो चेक रिपब्लिक में ही लोकेटेड है. अभी इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है. प्रतीक्षा जी का आंसर पहले से आ गया. दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द स्टूडेंट, दैट बिफोर क्वेश्चन यू आर एबल टू गेट गिव द आंसर्स. वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हैज बीन रिसेंटली ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो करेक्ट आंसर इज वियतनाम. ऑलवेज रिवाइज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन टूगेदर सो नॉट टू गेट कंफ्यूज फॉर योर मेन एग्जामिनेशन. इन द मेन एग्जाम एंड द पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन चेक रिपब्लिक एंड वियतनाम, यू आर एबल टू गिव द आंसर कंप्लीट विद द कंप्लीट कॉन्फिडेंस. ठीक है, चलिए आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी भगवंत क्यूबा सर डिलीवर्ड अ की नोट एड्रेस एट द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट On India Solar Energy Market at Inter Solar Euro in which of the following city and country? ये कहाँ पर अभी recently conduct हुआ है sir? In which of the following city and country? What is the correct answer? So your correct answer is Moench, Germany. So it is conducted in Moench, Germany. Sir, what is the important data we have to pick from here? Point number one, where this event was conducted. So this event was conducted in Moench, Germany. And the event was named as Inter Solar Europe 2022. Event was known as Inter Solar Europe 2022. What are the important points he has shared related to the Indian solar market or Indian solar industry? So the important points are, point number one, India is going to achieve the target of net zero carbon emission by the year 2070. That is what he said, point number one. Second, 500 gigawatt of energy from the non-fossil means renewable energy. So 500 gigawatt of energy will be produced by all the renewable energy resources by the year 2030. Second point. Point number three, India has achieved the target of 40% of cumulative electric capacity from non-fossil fuel 9 year ahead of target that is already achieved in the year 2021. The target was that India will be achieving it in 2030, but India has already achieved it in the year 2021. To promote the green hydrogen economy, India announced to invest 25,400 करोड़ रुपी फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन पर्पस. तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 25,000 करोड़ रुपी इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज अनाउंस्ड. ये हमारे पास पॉइंट हुए सर. पॉइंट क्लियर है? एक बार सीसी लिखेंगे सारे लोग कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर सारे पॉइंट क्लियर हैं यहां तक के. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं.
अगला क्वेश्चन है आपके लिए बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन होगा, बढ़िया सा सिंपल सा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई रिसेंटली। अभी इनमें से यूएई के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? खलीफा बिन जयाद अल नहान, मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, मोहम्मद बिन राशिद अल माकूम, मोहम्मद बिन राशिद अल माकूम, मोहम्मद बिन राशिद अल माकूम एंड जयाद बिन सुल्तान अल नहान। तो सिंपल सा आंसर है आप लोगों के लिए, मोहम्मद बिन जायद अल नहान। मोहम्मद बिन जायद अल नहान सर अपॉइंटेड एज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। ही इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। यूएई के तीसरे प्रेसिडेंट हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयाद अल नहान। खलीफा बिन जयाद अल नहान, कुछ गलती करी क्या मैंने? शेख मोहम्मद, हाँ सही है, सही है, सही सही सही, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन जयाद अल नेहान, मोहम्मद बिन जयाद अल नेहान इज न्यू प्रेसिडेंट। ही इज न्यू प्रेसिडेंट राइट। एंड खलीफा बिन जयाद अल नेहान वॉज द पर्सन हु डाइड रिसेंटली। दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, दोनों पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सारे एक जैसे ऑप्शन है, ऐसा ही होता है सर। फॉरेनर्स इंडियन नामों में कंफ्यूज होते हैं और इंडियंस फॉरेन जो नाम है उनमें कंफ्यूज होते हैं, लगभग एक जैसे ही साउंड करते हैं। हमारे यहां भी तो करते हैं, सोनू मोनू गोलू चुन्नू मुन्नू, वेरी सिमिलर राइट। चलिए सो नेक्स्ट है, आते हैं न्यूज के तरफ। न्यूज नंबर वन, सो रिजर्व बैंक, आई डोंट नो दिस न्यूज, दिस पर्टिकुलर न्यूज विल कम इन द एग्जाम और नॉट, बट दिस न्यूज वॉज देयर इन ऑल ओवर द न्यूज पेपर, इन ऑलमोस्ट एवरी न्यूज पेपर। इट विल बी देयर टूडे, येस्टरडे इट वॉज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी ई न्यूज पेपर। सो आई थॉट दैट आई वी शुड पिक दिस न्यूज बिकॉज नाउ अडेज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल कम डायरेक्टली विद द रेफरेंस ऑफ रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द न्यूज पेपर हाउ मच अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ डॉलर हैज बीन सोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो अकॉर्डिंग टू न्यूज पेपर वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है? ये देखो मनोज ने भी अच्छा सीक्वेंस शेयर किया, सुरेश मुकेश दिनेश रमेश गणेश, तो हमारे पास भी लंबा सीरीज है राइट। हाँ भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड 20.1 बिलियन डॉलर इन द स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज इन मार्च 2022। सो मार्च 2022 में आरबीआई ने 20.1 बिलियन डॉलर सोल्ड कर दिए फ्रॉम आर फॉरेन करेंसी रिजर्व। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया केम बिलो 600 बिलियन। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व 600 बिलियन के नीचे आया है। व्हाई इंडिया सोल्ड दीज डॉलर्स, एक क्वेश्चन ये उठता है। फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन देयर इज नो इश्यू, यू जस्ट हैव टू पिक द डेटा। डेटा नंबर वन, हाउ मच डॉलर सोल्ड बाय इंडिया, 20.1 बिलियन डॉलर सोल्ड बाय इंडिया इन द स्पॉट मार्केट। सेकेंड पॉइंट, दैट वॉट इज द फॉरिन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया इन वॉट इज द फॉरिन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया इन मे 2022। हाँ, अभी रिसेंटली, अभी करंट की अगर हम बात करें, सो एट प्रेजेंट इन द करंट सिचुएशन व्हाट इज द फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया, सो इट इज 595 बिलियन। 595 बिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। देखो व्हाई द वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, आपको क्या लगता है डॉलर का प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? व्हाई द प्राइसेस ऑफ डॉलर्स आर इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या रीजन है? या स्पॉट मार्केट है, यू डोंट नो हु इज द बायर एंड देयर आर मल्टीपल बायर्स इवन इन दैट केस एज वेल, बहुत सारे बायर्स भी हो सकते हैं। हाँ, पहले ये बताओ कि व्हाई द डॉलर वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। द रीजन, डिमांड इज हाई सप्लाई इज लेस, बहुत सिंपल सा रीजन है। डिमांड इज वेरी हाई सप्लाई इज लो, या सप्लाई इज लो। यूएसए इंक्रीजेस देयर रेट्स
in the current market means in USA, the bank has increased their rate of interest. Now the dollar supply in the international market has decreased because of it. When the dollar supply has decreased, value is increasing. How to decrease the value of it? By increasing the supply. भाई डॉलर की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि डॉलर का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करने का इंडियंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? रुपी वैल्यू इज डिक्रीजिंग, डॉलर वैल्यू इज इंक्रीजिंग, रुपी वैल्यू इज डिक्रीजिंग, राइट? नाउ हाउ टू मैनेज दिस रुपी वैल्यू? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर। हाउ टू मैनेज दिस रुपी वैल्यू? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर। हाउ टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर? बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई। नाउ हाउ टू इंक्रीज सप्लाई? यूएस इज नॉट गोना इंक्रीज द सप्लाई। वी ट्राइड फ्रॉम आवर साइड दैट वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर, लेट्स पुट दिस डॉलर, सम अमाउंट ऑफ डॉलर इन द मार्केट टू एडवांटेज ऑफ सेलिंग दिस डॉलर। फर्स्ट, एट प्रेजेंट द डॉलर वैल्यू इज हाई, सो वेन वी आर सेलिंग द डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट वी आर एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हियर। अभी हम बेच रहे हैं, हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है, एक एडवांटेज। सेकेंड सेकेंड एडवांटेज, द एवेबिलिटी ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, डॉलर वैल्यू विल डिक्रीज, रूपी वैल्यू विल बी मेंटेन्ड, एटलीस्ट मेंटेन्ड, नॉट इट विल बी गोइंग डाउन। तो ये इसके पीछे ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर गाइस? गाइस 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 क्विकली, इज इट क्लियर? हाँ हाँ डिसएडवांटेजेस आर, डिसएडवांटेज क्या है इसका? द डिसएडवांटेजेस आर फॉरेन करेंसी रिजर्व केम डाउन टू 600 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2022। सो फॉरेन फॉरेन करेंसी रिजर्व इफ इट इज कमिंग डाउन, इट इज डिक्रीजिंग आर यू कैन से दैट कैपेसिटी टू बोरो फंड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। इट इज डिक्रीजिंग आर कैपेसिटी टू बोरो फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे लिए बुरा है। ठीक है सर, वाई वी आर, वाई नॉट वी आर यूजिंग आर रूपी टू ट्रेड? बिकॉज द फॉरेन कंट्रीज दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इंडियन रूपी फॉर द ट्रेड ना, वी वॉन्ट टू यूज, वाई वी विल नॉट यूज, बट दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, दे नीड डॉलर ऑनली, दैट इज वाई वी हैव टू गिव डॉलर टू डू इम्पोर्ट। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? दिस इज द करेंट फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया। ये इंडिया का भी करेंट में फॉरेन करेंसी रिजर्व है। सेकेंड, अभी इंडिया ने कितना डॉलर सेल कर दिया? सो 20.1 बिलियन डॉलर सेल कर दिया इंडिया ने, ये पॉइंट है। ओके, फॉरेक्स रिजर्व मीन्स द फॉरेन करेंसी इंडियन इंडियन गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मेंटेनिंग। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मेंटेनिंग द फॉरेन करेंसीज, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व। चलो भाई, बड़ा टॉपिक है। इफ यू विल डू द डिस्कशन, इट विल कंप्लीटली टेक 1 आवर टू डिस्कस अबाउट द फॉरेक्स मार्केट एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। फॉरेन करेंसी रिजर्व, इवन द डॉलर वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इट इज गिविंग एडवांटेज टू अस, इट इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज टू अस। इवन इफ यू आर थिंकिंग सर, इफ दिस इज द केस दैट $1 विल बी इक्वल टू 10 रुपीज, मीन्स द रुपी वैल्यू इज वेरी हाई, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज डिसएडवांटेज टू अस। उसमें भी हमारे लिए डिसएडवांटेज है, अगर सडनली $1 ₹10 के इक्वल हो जाए तो। That is also a disadvantage to us. Why? Because we are maintaining huge amount of our savings in the form of dollars. Suddenly, our savings decrease ho jayega if the dollar value will decrease. So, dollar value, if suddenly it will increase, that is also disadvantage because our imports will be costlier. If it is suddenly decrease, it is also disadvantage because our savings are decreasing. So, dono jagah par hum fase hue hain. मेन मैनेज ही रखना पड़ेगा, ना तो सडनली इंक्रीज होना चाहिए ना सडनली डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक का पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट देखो भाई, इंडियाज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक टू 15.08% इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मार्च इट वॉज 14.5, सिंपल दिस टाइम इट इज 15.08%। द डेटा वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट बेस ईयर इज 2011-12 इज द बेस ईयर, दिस इज द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट। एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 वॉज 10%, दिस टाइम इट इज 5% एक्स्ट्रा, 5% हायर कंपेयर टू लास्ट टाइम, वेरी वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। सो डब्ल्यूपीआई रिमेन इन द डबल डिजिट फॉर 13th कंसेक्यूटिव मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स टिल अप्रैल 2022। बहुत ज्यादा हाई चल रहा है सर आपका डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट, ठीक। तो ये डब्ल्यूपीआई की बात हुई। सीपीआई रिलेटेड कुछ डेटा हमने डिस्कस किया था इन द रिसेंट टाइम, आई नीड द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस क्विकली। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन वॉज वॉट परसेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। हाँ भाई, अप्रैल 2022 में क्या इन्फ्लेशन रेट था सीपीआई इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, मैं भी वो भी बता दे रहा हूं, डोंट वरी, एवरी क्वेश्चन विल बी देयर। 7.79%, वेरी गुड, 7.79% इज द इन्फ्लेशन रेट, ऑसम। रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2022 वाज हाई सिंस, फ्रॉम हाउ मच टाइम इट इज द हाईएस्ट, मतलब कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वी हैव फाइंड सो मच हाई इन्फ्लेशन रेट। सो इट इज आफ्टर 8 years, After 8 years, we have find the inflation rate is so high. Last time in the month of May 2014, it was 8.33%. So 8 year high inflation rate. 8 साल में सबसे ज्यादा inflation rate रहा है, ठीक है। Next है, what is the rate of inflation in the category of fuel and light? What is the rate of inflation in the category of fuel and light? So rate of inflation in the category of fuel and light is 10.8%. 10.8% आपका fuel and light के category में inflation rate रहा in the month of April. What is the base year? What is the base year of CPI? CPI का base year. So CPI base year is 2012, right? 2012. CPI base year is 2012, which is a calendar year. Calendar year means from Jan to December, okay, but WPI base year is 2011-12, which is the financial year, and I am expecting all of you are aware about the financial year. CPI data released by NSO, National Statistical Office, under Ministry of Statistical Program, Statistic Program Implementation. So under the Ministry of Statistics Program Implementation, CPI data has been released. Why? WPI data released by Ministry of Commerce and Industry. So Ministry of Commerce and Industry issued the data of WPI. So this is what the overall difference between them. ये सारा important data है guys, extremely extremely important data, काफी important है। आगे चलें, अगले news के तरफ। अदानी Group buys Ambuja Cement ACC for 10.5 billion from Holcim. From the Holcim company, recently Adani Group bought, which is a Swiss multinational company, Holcim. Their stake was approximately 63-64% in ACC Cement. Adani bought it. So you can say that now Adani is the owner of ACC, Ambuja Cement. Ambuja Cement and ACC at the valuation of 10.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने क्या कर लिया, परचेस कर लिया है। सो Holcim थ्रू इट सब्सिडरी होल्डिंग 63% इन अंबुजा सीमेंट एंड 54% इन ईसीसी, बोथ बोथ बॉट बाय अदानी, अदानी ने दोनों खरीद लिया, अंबुजा सीमेंट का पूरा स्टॉक खरीद लिया और जो हमारा एसीसी था, एसीसी का 54%। ये अगला एलन मस्क बन जाएगा भाई इंडिया से, अदानी साहब। सो या
देखना, नहीं तो ये पता चल रहा है आफ्टर सम टाइम यू आर रीडिंग अ न्यूज दैट अदानी बॉट टेस्ला, कि अदानी ने टेस्ला खरीद लिया, मस्क इज बाइंग द अदर कंपनी एंड अदानी बॉट टेस्ला, तो ऐसा ना हो जाए। सर प्लीज ब्रिंग सम कंपाइलेशन शॉर्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एज द एग्जाम इज जस्ट 9 days अवे। ओके मनीषा, आई विल नोट इट डाउन इन माई टास्क शीट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी, बट आई फाइंड दैट आरबीआई ग्रेड बी गाइज आर वेरी वेरी बिजी, सो दे डोंट हैव टाइम इवन टू अटेंड द सेशन। सो बिकॉज वेन फैकल्टी गिव टाइम टू पर्टिकुलर सेशन, इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 3 to 4 hours. वी हैव टू डू द कंपाइलेशन ऑफ द क्वेश्चन, इट टेक 2-3 hours, 1 hour लाइव सेशन, सो 3 hour, एटलीस्ट 3 hour टाइम। ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई। अगला है न्यूज हमारा रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड लेंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक टू एनबीएफसी, दैट कमर्शियल बैंक्स विल बी कमर्शियल बैंक्स विल बी प्रोवाइडिंग विल बी एबल टू प्रोवाइड लोन टू एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई परमिटेड कमर्शियल बैंक टू लेंड एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट, लिमिट दैट हाउ मच दे कैन लेंड। कमर्शियल बैंक कैन लेंड टू एनबीएफसी नॉट मोर देन 5% ऑफ देयर टोटल, 5% ऑफ देयर टोटल PSL लिमिट। सो बैंक PSL लिमिट इज 40%, राइट? बैंक का PSL लिमिट कितना होता है? 40% होता है, बट हाउ मच दे हैव अचीव्ड आउट ऑफ 40%? सो 5% ऑफ टोटल अचीव्ड PSL अमाउंट दे विल बी एबल टू गिव टू एनी एनबीएससी। समझ आ गया क्या कि नहीं? कि नहीं आया? माइक्रो फाइनेंस मीन्स स्मॉल लोन्स, स्मॉल लोन्स, लोन प्रोवाइडेड टू बीपीएल, यू कैन से दैट। सो माइक्रो फाइनेंस, नाउ रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट अ लाइन दैट माइक्रो फाइनेंस विल बी द लोन वेयर द हाउस होल्ड इनकम, ईयरली इनकम विल नॉट बी मोर देन 3 lakh rupees, जहां पर घर की इनकम 3 lakh rupees से कम है उनको जब लोन दिया जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस। चलो थोड़ा सा फिर से बताता हूं। सो एवरी बैंक हैव अ टारगेट टू प्रोवाइड लोन टू द नीडी सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग फाइनेंस, दीज आर द सेक्टर्स इन इंडिया, दोज आर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स। मीन्स बैंक इज गेटिंग टारगेट फ्रॉम आरबीआई दैट एनी हाउ यू आर विश टू प्रोवाइड और यू आर नॉट इन मूड टू प्रोवाइड, बट एनी हाउ इन एवरी केस एवरी ईयर दिस मच अमाउंट ऑफ लोन यू हैव टू प्रोवाइड टू दीज सेक्टर्स। गेटिंग माई पॉइंट? 40% इज द लिमिट ऑफ पी एस एल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट इज 40% फॉर कमर्शियल बैंक, फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इट इज 75%, 75% ऑफ देयर टोटल लोन्स विच दे आर प्रोवाइडिंग इन द मार्केट, 75% ऑफ टोटल लोन्स प्रोवाइडेड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द मार्केट, 75% ऑफ देयर टोटल लेंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स, फॉर अ कमर्शियल बैंक इट इज 40%। तो ये तो पहले हुआ कि पीएसएल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल। तो पीएसएल का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो नीडी सेक्टर्स है इंडिया में जिनको लोन नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, आरबीआई ने ऑलरेडी उनके लिए, बैंक्स के लिए टारगेट डिसाइड कर दिया कि इनको तो लोन देना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव ऑप्शन, यू हैव टू गिव लोन टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स बिकॉज दीज सेक्टर्स आर अनेबल टू गेट द प्रॉपर फाइनेंस इन द मार्केट एंड दीज सेक्टर्स रिक्वायर डेवलपमेंट, सो दे आर प्रायोरिटी सेक्टर्स। नाउ आरबीआई सेज इन दिस पॉइंट, आरबीआई सेज दैट अ बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू एनबीएफसी बट हाउ मच? 5% ऑफ देयर टोटल पीएसएल अचीवमेंट। हाउ मच पीएसएल दे आर प्रोवाइडिंग? 5% ऑफ दैट अमाउंट, मैक्सिमम 5% ऑफ दैट अमाउंट दे कैन गिव टू एनी एनबीएफसी डायरेक्टली। सिमिलर केस
स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन गिव लोन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल्सो एनबीएफसी, दोज आर प्रोवाइडिंग ओनली माइक्रो फाइनेंस इन द मार्केट. सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बट 10% ऑफ देयर ओवरऑल लिमिट, 10% ऑफ द ओवरऑल पीएसएल लिमिट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो 5% इज द मैक्सिमम रेंज फॉर अ कमर्शियल बैंक, 10% इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये आपके पास पॉइंट्स है सर, ठीक है. चंद्रवेगम, जस्ट आई हैव कन्वर्टेड सिंगल वन और टू वर्ड इन हिंदी, अदरवाइज एवरी एक्सप्लेनेशन वॉज इन इंग्लिश ओनली. Means I have explained in English, just I have converted few points in Hindi, so the Hindi medium student can also understand few point. PSL itself a big topic, guys. Read the PSL topic properly, because priority sector lending is a topic which is extremely important for every examination, especially banking sector or the regularity examinations if you're preparing for. We have already covered that topic multiple time in the paid batches. As you know that banking is a vast topic and I am unable to cover that on YouTube. तो मेरे banking के sessions आपको कभी YouTube पर मिलेंगे नहीं, वो हमेशा मेरे कहां पर होते हैं, paid batch में. Banking current I'll discuss completely on YouTube, मैं current affairs properly discuss करता हूं, ठीक है. तो ये point हुआ आपके पास. चलिए, अभी recent तो PSL की कोई committee नहीं बनी है दृष्टि, recently priority sector lending का कोई recent committee नहीं है. But the previously there were multiple committees related to PSL. But as of now, I'm not able to remember, recall any committee which has been formed in the recent last 6 months. कि पिछले छह महीने में भी कोई कमेटी बनी, ऐसी कोई कमेटी नहीं, ठीक. चलिए अपॉइंटमेंट्स में आगे चले. हसन शेख मोहम्मद इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया. सोमालिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हसन शेख सर. So Hassan Sheikh sir, former leader of Somalia, has been elected as the president of Somalia after defeating Mohammed Abdullahi Mohammed. Badiya simple se naam ho jate hain. Also known as Farmajo. Farmajo bhi kaha jata tha jinko, unko defeat kiya hai na. For us, the only thing which is important is Hassan Sheikh Mohammed, new president of Somalia. कैपिटल इज मोगादिशु, करेंसी इज शिलिंग. सो कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट नेम, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट नेम, ठीक है. चलो अन्वेषा सर, स्टार्ट टुडे आई फील लाइक गोइंग ओवर द हेड. अरे ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है? देखो, देयर आर फ्यू थिंग्स आई विल टेल यू इन द बैंकिंग करेंट. व्हेन वी आर रीडिंग एनी बैंकिंग करेंट, इन द बैंकिंग करेंट देयर आर द बेसिक कॉन्सेप्ट of banking awareness as well. It means when we are reading about the forex news, we should know that what is the forex. When we are reading any current affairs news regarding PSL, priority sector lending, we should be aware about what is PSL. Similar to that, koi aur topic ke upar agar hum discussion kar rahe hain, for example a news came that the NPA of the commercial bank increases to up to this percent. So out in the NPA, this much amount of money is loss asset. So what is the meaning of NPA, non-performing asset kya hai, what is SMA 0, 1 and 2, special mention account 0, 1, 2, substandard asset, doubtful asset, loss asset. So these types of terminology should be aware to us. Then we are able to understand that particular news. ठीक है, मैं शॉर्ट में एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूज, इन शॉर्ट आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ओके दिस इज द टर्मिनोलॉजी, दिस इज द टर्मिनोलॉजी. बट द ओवरऑल टॉपिक, बिकॉज एनपीए इफ यू विल सी इट इज अ टॉपिक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours. सो ओवरऑल टॉपिक डेफिनेटली यू हैव टू गिव सम मोर टाइम टू डिस्कस इट, ठीक. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर मेरा लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. I have remembered that I one day already took the session on priority sector lending. Not now, I think 1 year back. So PSL पर मेरा topic मिल जाएगा आपको, class अगर आप देखोगे तो YouTube पर ही मिलेगा, Olipboard channel पर ही search करना, हाँ मिल जाएगा. ठीक है, यहां तक वो PSL वाला पूरा ऊपर से गया है. डोंट वरी अबाउट द PSL वाला टॉपिक. टुमारो वन मोर टाइम व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग MCQs, आई विल डिस्कस वन मोर टाइम PSL. होमवर्क फॉर यू गाइस विल बी
रीड द पीएसएल टॉपिक टुडे. आज का आपका एक टारगेट होगा कि आपको पीएसएल वाला टॉपिक कवर करना है, ऑल ऑफ यू, बिफोर टुमारो टीएनए. कल टीएनए से पहले आप पीएसएल वाला टॉपिक कवर करेंगे. टुमारो इन टीएनए अगेन विल डिस्कस द पीएसएल वाला न्यूज. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली. इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आया? या चलो, परफेक्ट. पवन कॉन्ग्रेचुलेशन. नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट क्या है? अपॉइंटमेंट्स. अपॉइंटमेंट्स में विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ पाइन लैब्स. तो इनको नया चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, अ टाइप ऑफ एचआर, हेड एचआर यू कैन से, द हेडेस्ट एचआर. ठीक है, टॉप पोजीशन इन द एचआर डिपार्टमेंट. सो चीफ पीपल ऑफिसर इन पाइंस लैब. पाइंस लैब में इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया. शी वॉज प्रीवियसली वर्किंग ऑन द पोजिशन ऑफ एचआर इन एमेजॉन. द कंपनी पाइन लैब स्टार्टेड इन द ईयर 1998. नोएडा इज द हेडक्वार्टर. सीईओ है मिस्टर लोकवीर कपूर इसके सीईओ है. पाइन लैब्स वॉज इन न्यूज इन द रिसेंट टाइम. गूगल पे कोलॉबरेटेड विथ पाइन लैब टू लॉन्च टैप टू पे फैसिलिटी इन यूपीआई. टैप टू पे फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ यूपीआई गूगल पे ने लॉन्च किया. सो ऑन द पाइन लैब स्वाइपिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ यूपीआई यू कैन मेक द पेमेंट इफ यू आर यूजिंग द एप्लीकेशन गूगल पे. गूगल पे के एप्लीकेशन से पाइन लैब की मशीन पर आप टैप टू पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. What is the limit of UPI at present? Answer लिखो फटाफट से. What is the limit per day transaction limit of UPI? इधर आओ. Point 2. Kotak Mahindra Bank tied up with Pine Lab to enable debit card facility for their debit card holders across the POS terminal. So customers can avail the EMI on the minimum purchase of 8,000 rupees. 8,000 rupees के minimum purchase पर EMI में convert कर सकते हैं. So Kotak Mahindra Bank collaborated with Pine Lab to convert the transaction into EMI. हाँ भाई, limit क्या था आपका? 2 lakh rupees the limit of per transaction limit of UPI is 2 lakh. In case of IPO application it is 5 lakh rupees. IPO में अगर apply करना है तो 5 lakh rupees. State Bank of India invested $20 million around 150 crore rupee in Pines Lab recently. तो SBI ने अभी recently invest किया था $20 million कहां पर? Pines Lab. तो ये point हो गया आपके पास Pines Lab related. अगला देखें, next news देखें. अमित शाह inaugurated National Cyber Forensic Laboratory in Hyderabad. So recently Home Minister Amit Shah inaugurated the National Cyber Forensic Laboratory. Where, in which city? Hyderabad it is inaugurated. The motive of setting up is cyber crime prevention against the women and child schemes. So women and child jo schemes hain unme cyber crime prevention karna, giving more protection to the women and child against the cyber crimes. 35.51 crore rupees the expenditure of setting up this cyber forensic laboratory. It is set up in Hyderabad. What are the other things set up in Hyderabad in the recent time? Hyderabad hosts the first of its unique kind flow chemistry technology hub. After that, Wing India 2022 conducted in Hyderabad. Ye bhi Hyderabad mein conduct hua hai. State Bank of India set up innovation incubation acceleration center in which city? Hyderabad. ठीक है सर, पाइन लैब फिनटेक कंपनी है क्या? कह सकते हो फिनटेक कंपनी है. बेसिक वर्क ऑफ पाइन लैब इज प्रोवाइडिंग द पीओएस मशीन इन द मार्केट. वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होता है ना, उसको इंस्टॉल करने का काम है पाइन लैब. ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड देयर इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी? हैदराबाद. लाइक आरबी इनोवेशन सेंटर इज इन बेंगलुरु, एसबीआई इनोवेशन सेंटर इज इन हैदराबाद. अगला पॉइंट देखो सर, India's first woman industrial park completely owned by women. It is started in Hyderabad.
सपोर्टेड बाय फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ फिक्की एफएलओ, नाम बताइएगा फटाफट से, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ फिक्की एफएलओ। देन माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस्ड टू स्टार्ट फोर्थ डेटा सेंटर इन इंडिया इन विच सिटी, हैदराबाद तेलंगाना। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ हैदराबाद बेस्ड आईसीआरआईएसआईएसएटी। तो ये हैदराबाद के पॉइंट हो गए। उजाला सिंघानिया जो है वो चेयरपर्सन है फिक्की एफएलओ की। बहुत बढ़िया गाइस, दिस रिवीजन विच वी डू ऑन अ डेली बेसिस दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप समझिए करंट अफेयर्स का रिवीजन जो होता है वो सबसे पावरफुल वेपन होता है टू रिमाइंड द करंट अफेयर्स इन द एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर एवरी न्यूज लाइक वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मुंबई, आई ट्राई टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 10 पॉइंट रिलेटेड टू मुंबई। दैट 5 to 10 पॉइंट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऑफ लास्ट 1 month और 1.5 मंथ। तो आपको उन रिविजन पे भी उतना ही फोकस रखना है बिकॉज इट विल गिव यू गुड गुड कमांड ओवर द करंट अफेयर्स विद द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके यार वी आर रिवाइजिंग दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन अगेन। व्हाई यू गाइज आर सो कॉन्फिडेंट टू आंसर द लिमिट ऑफ यूपीआई 2 lakh and 5 lakh इन केस ऑफ आईपीओ सो कॉन्फिडेंटली? आपने सोचा कभी कि इतने कॉन्फिडेंटली कैसे आजकल आप लोग बोल देते हो यूपीआई लिमिट इज 2 lakh, यूपीआई लिमिट इज 2 lakh, यूपीआई लिमिट इन आईपीओ इज 5 lakh? रिवीजन, आई अश्योर यू एटलीस्ट फॉर 70 to 80 टाइम्स वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड इन टीएनए व्हाट इज द लिमिट ऑफ यूपीआई, यूपीआई लाइट, यूपीआई 1, 2, 3, इनका लिमिट क्या है, हमने इतनी बार रिवाइज किया होगा। ठीक है चलो आगे चले सर। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य को भारत के 52वें अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह होता है हिंदी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान हैज बीन नोटिफाइड एज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। इट इज लोकेटेड इन रामगढ़। द नेम इज रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is the 52nd Tiger Reserve of India, 52nd Tiger Reserve of India and the 4th Tiger Reserve in Rajasthan, 4th Tiger Reserve in Rajasthan. The other three are Ranthambore Tiger Reserve located in Rajasthan, Sirishka Tiger Reserve and Mukundra Hills Tiger Reserve. These are the Tiger Reserve. Okay. Which state is known as the Tiger State in India? India में Tiger State किस state को कहा जाता है सर? Approximately 526 tigers are available in that state at present. तो ये आपके पास tigers का data है, 526 के approximately tigers उस state में है, 2600 approximately tigers are available in India if I am not wrong. Just recall आया मेरे दिमाग में data तो मैंने आपको बताया। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। या एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश इज द टाइगर स्टेट इन इंडिया। राजस्थान के कुछ पॉइंट्स की बात करें सर, रीसेंट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू मार्कॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट, राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रीच 10 GW ऑफ कम्युलेटिव लार्ज सोलर इंस्टॉलेशन। सबसे ज्यादा जो आपके हाँ भाई सबसे ज्यादा जो आपका टाइगर पे अटका हुआ हूं मैं भी। सो द मैक्सिमम सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज विथ विच स्टेट? द मैक्सिमम सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज विथ राजस्थान। सेकंड, मियाओगाबाड़ा रेलवे स्टेशन रिसेंटली रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट बाय द इंडियन रेलवे इन राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी इन द बजट 2020-23। आफ्टर दैट इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति इन जैसलमेर राजस्थान, वेयर इट इज कंडक्टेड इन जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट इज द रिनॉट जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल नोन एज मारू फेस्टिवल। मारू फेस्टिवल कंडक्टेड इन विच स्टेट गाइस? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, मारू महोत्सव कंडक्टेड इन विच स्टेट? मारू महोत्सव कंडक्टेड इन राजस्थान जैसलमेर। सौभाग्य स्कीम स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सौभाग्य स्कीम स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट अंडर विच
द हाउसहोल्ड्स आर गेटिंग इलेक्ट्रिफाइड सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। तो ये आपके पास राजस्थान रिलेटेड पॉइंट हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ठीक है। नहीं मनोज आप पढ़ाई पर ध्यान दो, वी गेट सी यूजलेस पीपल्स आर एवरीवेयर, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैम जस्ट स्किप दैम, अवॉइड दैम एंड फोकस ऑन आर टास्क बिकॉज वी हैव द इंपॉर्टेंट गोल्स इन आर लाइफ, राइट। हाँ तो अपन अपने काम पर ध्यान दो, अपने गोल पर फोकस रखो। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इंडिया होस्टेड एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एंटी टेरर मीट फ्रॉम 16th May to 19th May। लास्ट ईयर इट वाज होस्टेड बाय रशिया, लास्ट ईयर दिस एससीओ रेड्स मीटिंग वाज होस्टेड बाय, लास्ट ईयर द एससीओ रेड्स मीटिंग वाज होस्टेड बाय रशिया, दिस ईयर इट इज इन न्यू दिल्ली। The biggest confusion I am telling you, the biggest confusion I am telling you, the summit of SCO conducted in which place? In 2022. The summit of SCO RETS conducted at which place in 2022? Just RETS they are going to add here. The Shanghai Cooperation Organization. How many members are there in SCO? Kitne members hain SCO? Abhi current mein koi bataega how many members are there in SCO? Already written. Very good. 9. So there are total 9 members under SCO. It is a group of 9 members. It is a summit of 9 members. SCO conduct meetings every year. There are two different types of meetings conducted under SCO. One head of the government, second head of the state. Head of the government, head of the state. What is the difference? Head of the government means prime minister in India. Head of the government is prime minister. Head of the state is president. Agar bola jaye, who is the head of India? President of India. Who is the head of government of India? Prime Minister. तो ये difference होता है। तो दो different type के आपके summits conduct किए जाते हैं इसमें। दो different type के summits conduct होते हैं। Members की अगर हम बात करें तो trick बनता है आपका RUCHI, रुचि, visited, ताज इंडिया, ताज होटल इंडिया, ताज इंडिया with काकू, विथ काकू फॉर PI, फॉर PI पर्सनल इंटरव्यू। तो ये आपके पास ट्रिक बनेगा। RU इज रशिया, RU स्टैंड्स फॉर रशिया, CHI इज चाइना, TAJ इज ताजिकिस्तान, TAJ इज ताजिकिस्तान, आफ्टर दैट इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो अटेंडिंग दिस दिस समिट एज अ एडवाइजर, एज अ एडवाइजर, एज अ यू कैन से दैट इट अ टाइप ऑफ लाइक क्या बोलते हैं, इनवाइटेड फ्रेंड, अ टाइप ऑफ इनवाइटेड फ्रेंड। तो इनविटेशन के फॉर्म में उन्होंने अटेंड किया है। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ दिस दिस मीटिंग और दिस SCO। याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान इनका परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। हरप्रीत स्टार्टेड करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल, हाउ टू कवर इट फ्रॉम जैन टू मार्च, इज इट बोल्ट इज इनफ? यस बोल्ट इज इनफ, बोल्ट हैव लॉट्स ऑफ डेटा, तो बोल्ट से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। इंडिया इज नॉट काउंटेड टू टाइम, इंडिया इज वन टाइम ओनली। पी आई, आई इज ईरान, सॉरी आई इज ईरान, आई इज ईरान, तो लास्ट वाला पी आई में आई ईरान। रुचि में आर यू रशिया, सी एच आई इज चाइना, टी ए जे इज ताजिकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। सिंपल, ठीक है क्या? आगे देखो, so India has taken the chairmanship of Council of Regional Anti-Terrorist Structure SCO last year for the duration of 1 year, for the duration of 1 year. SCO rests based out in Uzbekistan capital Tashkent. देखो important points, देखो RETS headquarter is located in Tashkent, right? But the headquarter of SCO, SCO headquarters located in which city? कोई बताएगा SCO का हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई कोऑपरेशन
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन विच सिटी, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। हाँ, शंघाई हेडक्वार्टर बीजिंग, बीजिंग, देयर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन बीजिंग चाइना। सो एससीओ हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, बट एससीओ रेड्स हेडक्वार्टर इज इन ताशकंद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नाउ समिट्स, हेड ऑफ द स्टेट समिट 2021 वाज इन ताजिकिस्तान, 2022 इज प्रपोज्ड इन उज्बेकिस्तान। हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट 2021 वाज इन कजाकिस्तान, 2022 इज इन चाइना। आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन। इन द एग्जामिनेशन इफ यू डायरेक्टली गेट अ क्वेश्चन वेयर इट इज नॉट डिफाइंड दैट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट डिफाइनिंग इट, सिंपली दे आर आस्किंग वेयर वॉज द एससीओ समिट ऑफ 2021 वॉज कंडक्टेड, कि भाई 2021 का एससीओ का समिट कहां हुआ है। आंसर विल बी दिस वन। 2022 एससीओ समिट इज प्रपोज्ड एट विच प्लेस, आंसर विल बी दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर सारे के सारे? अच्छे से क्लियर है? चलो परफेक्ट है। तो आई होप द न्यूज आर क्लियर टू यू। एक ये न्यूज पढ़ लेना, इंग्लैंड के कैंटन कूल है, ही बिकेम द फर्स्ट फॉरेनर टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम्स, 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता रिसेंटली कंप्लीटेड 26th टाइम, 16 बार इनका हो गया है। सो 16 टाइम ही हैव रीच्ड द माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट फॉरेनर है जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के हैं, कैंटन कूल नाम ही है कूल, ठीक है? तो अच्छा इजी रहेगा, आपको याद रहेगा। हाँ, कामी रीता का 26 टाइम हो गया है। चलो तो और कुछ करंट ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट डेज के एक दो न्यूज हैं आप लोगों के पास, उनको रीड कर लेना। आई होप दैट दोज हु केम लेट टुडे नो इश्यूज गाइस, बट ट्राई टू स्टार्ट योर सेशन एग्जैक्टली एट 8, सो 8 to 9, 1 hour विद द फुल एनर्जी। वी कैन डिस्कस द करंट अफेयर्स प्रॉपरली डेली टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। And I am not wishing it. I know that you are going to clear the examination this year. पता है आप लोग करोगे इस बार क्लियर। चलो, I'll be meeting you guys back. Anyone having any confusion related to the batch and all, ना, you guys can ping me in Telegram. उसको ping कर दो Telegram में, बता दूँगा। चलो, I'll be meeting you guys back in the paid sessions. And on YouTube tomorrow morning in TNN. Till that time, guys, keep watching Olive Board. Thank you and Jai.